भोजपुरी के सुपरस्टार नायक और गायक प्रमोद प्रेमी ने आखिरकार अपनी चुप्पी अब तोड़ ही दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है अश्लीलता के खिलाफ, जो भोजपुरी गानों के माध्यम से समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है उनके खिलाफ बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ये मुद्दा चला रहे हैं कि कैसे इसको बैन किया जाए, कैसे ऐसे सिंगरों को बैन किया जाए, उनके गानों को बैन किया जाए। इसमें कुछ लोग प्रमोद प्रेमी का भी विरोध कर रहे थे और कर रहे हैं, उनके गानों का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में ही प्रमोद प्रेमी ने उन्हें जवाब दिया है एक लाइव इंटरव्यू के दौरान। आपको बता दूं कि हमारे बड़े भाई नीजू जी ने, जो कि भोजपुरी गॉसिप के संपादक हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में प्रमोद प्रेमी जी ने कहा कि भोजपुरी एक मीठी भाषा है, द्वर्थी भाषा है, हम पर्दे में गाते हैं, हम ऐसा नहीं गाते हैं। और भोजपुरी से ज़्यादा अश्लीलता बॉलीवुड में है, वेब सीरीज में है, वो ज़्यादा अश्लील दिखाते हैं, ज़्यादा अश्लील करते हैं, हम तो पर्दे में रहते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी माना, हाँ हमने गलती की है, लेकिन ऐसा कोई भी सिंगर भोजपुरी में नहीं है जिसने गलती ना की हो, लेकिन अब सबको सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो प्रमोद प्रेमी को, यानी कि उनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। उन्हें कहा कि भगवान करे कि उनकी बढ़ोतरी हो, वो और ऐसे ही गाली दें, दो रोटी और वो बेसी खाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा और अपील की कि हाँ भाई अब से सुधार किया जाए, जिसने जो गलती की लेकिन अब गलतियां नहीं करनी चाहिए और साफ सुथरे भोजपुरी में गाने आने चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं प्रमोद प्रेमी के गानों के बारे में और प्रमोद प्रेमी के बारे में आपको क्या लगता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।